नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रो मोटर्स में एक बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटिंग जो कार आज के टाइम पे चल रही है उसके बारे में। और वो कार इंडियन कार मैन्युफैक्चरर से ही आती है जिसका नाम है महिंद्रा XUV 700। अब देखो, कार की बात बहुत टाइम से चल रही है, मोर देन अ ईयर हो गया इसकी बात चल रही है और कोई कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आ रहा है। कभी वहाँ स्पाइड हो जाती है, फिर इसके स्पाइड फोटोज़ वीडियोस सब कुछ वायरल हो जाते हैं और इसके बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब कुछ कुछ जो चीज़ें पता चल रही हैं उसके बारे में बताता हूँ। फर्स्टली, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो स्टार्ट होगी आई थिंक जुलाई 2021 में, ठीक है, जो कि नेक्स्ट मंथ ही है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद अगस्त या मिड सेप्टेम्बर के अराउंड से कुछ बात चल रही है कि इसकी जो डिलीवरीज हैं वो स्टार्ट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, अब अगस्त में आ जाएंगी इसके, मतलब 2 महीने और बचे हैं बस इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने के बारे में। अब इसमें जो जो चीज़ें अभी तक हमारे पास अवेलेबल है ना, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं कि जो इसमें सनरूफ आएगी वो इसके सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ होगी। ठीक है, जो आपकी MG हेक्टर प्लस ले लो, या क्रेटा का जो अभी वो एल्काजर वाला आया था वो ले लो, या फिर आप सफारी ले लो, कोई भी कार ले लो, इस सेगमेंट में सबसे बड़ी सनरूफ होगी, जिसने इसे ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवा लिया स्काई रूफ के नाम से। तो इसका साइज़ भी इसने इवन रिवील कर दिया और टीज़र वीडियो तो इसके चैनल पे आ ही रही है, महिंद्रा के चैनल पे। और वो अगर आपको उसके टीज़र की वीडियो वगैरह देखनी है तो मैं लिंक में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो में नहीं डाल सकता। एक प्रिडिक्शन है और वो प्रिडिक्शंस वगैरह जो कहाँ से आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे प्लांट पे इन्होंने एक बार पोस्टर लगाया कि इसकी जल्द या फिर नेक्स्ट मंथ जो इस कार की ही वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है इस प्लांट में, ठीक है, उससे प्रिडिक्शंस निकलती हैं कि अब भाई इतने टाइम में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, फिर बुकिंग स्टार्ट होगी, लॉन्च होगा, फिर स्टार्ट होगी डिलीवरीज। तो उस हिसाब से ये जो सारी प्रेडिक्शंस हैं वो लगाई जाती हैं। हम इन्हें एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते और ये ऑफिशियल भी नहीं है अभी तक कंपनी से। अब उन्होंने जो पोस्टर लगाया था वो बात तो एकदम ऑफिशियल है, ठीक है, प्लांट के बारे। अब इसमें जो दो मेन फीचर्स हैं मैं उसके बारे में अगर आपको बताऊं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मेन फीचर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर्स भी हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखो, अगर आप इतने कॉम्पीट सेगमेंट में एक, अब देखो जो मैंने वो जुलाई अगस्त वाली बात की, अगर आप इतने कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में एक नई कार निकालना चाहते हो अपनी ब्रांड की, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ यूनिक रखना चाहिए। और वो यूनिक रखना भी चाहती है महिंद्रा, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं या फिर कई सारी चीज़ों के साथ ये XUV 700 डिज़ाइन होती हुई, या फिर काफ़ी सारे नए फीचर्स के साथ हमें स्पाइड दिखी है, जो स्पाइड इमेज वगैरह वीडियोस वगैरह आई हैं इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या खास है, जो दो फीचर्स है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ी सनरूफ मैंने आपको बताई दिया, स्काई रूफ उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर भी करवा लिया। सेकंड नंबर पे एक लाइट जो कि ऑटो बूस्ट हेडलैम्प्स इन्होंने नाम दिया उसे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली, और ये दोनों ही चीज़ जो मैं आपको दोनों फीचर्स बता रहा हूँ ये दोनों कंपनी ने ऑफिशियली बताए हैं, ठीक है। वो जितनी स्पीड में कार जाएगी उस हिसाब से अपनी लाइट एडजस्ट करेगी, और अगर वो 80 के ऊपर जाएगी तो फिर और ज़्यादा लाइट इंक्रीज़ हो जाएगी ताकि आप स्पीड पे ज़्यादा अच्छे से देख सको। ज़्यादा डार्क अगर वहाँ पे है हाईवे वगैरह पे तो आप अच्छे से देख सको, और ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कार्स में। तो एक जेन्युइन फीचर वो दे रहे हैं, कोई ये दिखावा वाला फीचर। ये दोनों फीचर्स के बाद अगर हम बात करें जो इसमें 2 ADAS वाला सिस्टम मिलता है, एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम वगैरह, तो ये मुझे थोड़ा सा दिखावटी, ये जो सिस्टम है इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंसोल से मिलके बना है, और कहीं ना कहीं ये मर्सिडीज से भी इंस्पायर्ड है। अगर मैं इसके आपको और फीचर्स बताऊं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फिर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, या फिर और फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें लिस्ट बनती जा रही है, हिल होल्ड असिस्ट, फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और 8-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 8-way, कैन यू बिलीव, फिर 6-way एडजस्टेबल को पैसेंजर सीट्स। तो ये सारे फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं जो एक्स्ट्रा आते हैं। फिर इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें XUV 700 में
हमें एक तो 2.0 लीटर का एम्स्टेलिन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर एक और टर्बोचार्ज डीजल 2.2 लीटर एम, हमारे पास जो XUV 700 की थी वो यही वाले फीचर्स हमारे पास अवेलेबल थे, और इतना ही डाटा अभी तक इंटरनेट पे अवेलेबल हुआ है। और सबसे जो मेन फीचर इसमें, वो जो सबसे बड़ी स्काई रूफ जो आप कह सकते हो, वो हमारे पास अवेलेबल है इस कार में, वो एक मेन फीचर हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा अनऑफिशियल ऑफिशियल मिक्स होके चल रहा है अभी, और जब भी लॉन्च होगी ज़रूर इस चैनल पे वीडियो आएगी, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो।